हेलो एवरीवन अगेन आई वेलकम माय चैनल माय नेम इज़ प्रीति त्रिपाठी नाव विल डू यस सो हियर आई एंड अप विद ना पोयम या हमारा पोयम खत्म हुआ था राइट अब मैं आपको इससे क्वेश्चन आंसर करवाऊंगी ठीक है सो विल जस्ट सी द क्वेश्चन आंसर्स फर्स्ट हम लोग थोड़ा ऊपर का देख लेंगे आई विल एक्सप्लेन यू दिस रीड द फॉलोइंग प्रूफ ऑफ दैट हैज अ बाइबिकल रेफरेंस ठीक है बाइबल बाइबल आपको मालूम रहेगा बाइबल जिसमें कहावत कुछ कही जाती है गुड डीड्स बताया जाता है राइट Do unto others as you would have others do unto you. I read it again. Do unto others. किसी का करो भला करो As you would have others do unto you. आप अगर किसी का कुछ करोगे कुछ गुड करोगे तो लोग आपके साथ अपने आप गुड होगा इसका मतलब ये है ठीक है तो आपको ऐसे ही पांच proverbs या एंगजियम्स कोटेशंस तीनों का मतलब सेम है प्रूवर्ब जियोम्स एंड कोटेशन ऐसे आपको प्रूवर्ब कहावत आपको बाइबिकल रिफरेंस आपको यहाँ पे पांच लिखनी है यू कैन टेक द हेल्प ऑफ द इंटरनेट ओके ये सेल्फ एक्टिविटी आपको खुद से करना है ओके नेक्स्ट विल सी स्टडी द फॉलोइंग सेट्स ऑफ वर्ड्स सेट ए सेट बी प्लीज हैप्पी जॉयफुल एक्सटेटिक ओके ये छोटे से बड़े में एडजस्ट किया गया है असेंडिंग ऑर्डर में छोटे से बड़ा ठीक है लेटर वर्ड सेंटेंस पैराग्राफ लेटर आता है फिर वर्ड आता है फिर सेंटेंस फिर पैराग्राफ

of words in the ascending order so this you can see it over here aapko this you have to arrange in the ascending order as is been said over here okay so wahan pe hamara hai adult diya hai so i'll just show you this answers we'll show the answers yahan pe humne diya tha adult aged infant youth theek hai उसको हमने छोटे से बड़े में एडजस्ट करना पहले क्या होता है छोटा baby होता है infant, youth. फिर वो थोड़ा बड़ा होता है जवान होता है फिर एडल्ट फिर मैच्योर हो जाता है एकदम बड़ा हो जाता है एंड लास्ट में एजेड बुढ़ापा आ जाता है ठीक है तो हमने इसको छोटे से बड़े में एजड अरेंज किया है सेकेंड है कोल्ड फ्रीजिंग कूल चिल इसको हमने कैसे अरेंज किया कूल ठंडा चिल नॉर्मल हल्का ठंडा कोल्ड ठंडा एकदम ठंडा फ्रीजिंग एकदम आई जम जाना ठीक है तो लास्ट में क्या आता है फ्रीजिंग एकदम बड़ा जो बर्फ़ जम जाता है वो छोटे से बड़े में एडजस्ट किया है नेक्स्ट है ब्रिलियंट जीनियस ब्राइट इंटेलिजेंट तो पहले हमने क्या है ब्राइट ठीक है बच्चा इंटेलिजेंट वो स्मार्ट है ब्रिलियंट इज स्मार्ट मोर स्मार्ट जीनियस इसके तो जवाब भी नहीं जीनियस इज जीनियस आउटस्टैंडिंग बोल सकते हैं ठीक है माउंटेन पीक समिट माउंट हिल तो पहले हमने किया माउंट छोटा सा छोटा सा पहाड़ ठीक है माउंट हिल नॉर्मल पहाड़ माउंटेन बड़ा पहाड़ पीक समिट एक चोटी कोई भी ये एवरेस्ट की चोटी है माउंट एवरेस्ट ठीक है जो पीक बोलते हैं राइट तो ये हमने एकदम लास्ट में एकदम बड़ा ले लिया ठीक है तो ये हमारे यहाँ पे ख़त्म हो गया नेक्स्ट विल सी द नेक्स्ट क्वेश्चन येस यू हैव टू डू प्रिपेयर सिमिलर वर्ड चेंज यूजिंग द फॉलोइंग आइडियाज आपको यहाँ पे कुछ वर्ड्स दिए गए हैं आपको सिमिलर वर्ड चेन बनाना है इसी वर्ड्स से रिलेटेड आपको यहाँ पे आगे के वर्ड्स बनाना ठीक है पहला आपको दिया है रेन ड्रीजल मीन हल्का गीलापन लगना शॉवर बूंदों की बारिश होना शॉवर आपको मालूम रहेगा डाउनपोर भारी वर्षा होना भारी 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 बारिश होना ठीक है डीलज बाढ़ आ जाना जब बोलते हैं ना बहुत ज़्यादा बारिश आ गई बाढ़ तो ये सब किससे रिलेटेड है बारिश से रिलेटेड है रेन से रिलेटेड ठीक है रेन के सारे वर्ड्स है रेन का चेन हमने ऐसे कंप्लीट किया ठीक है नेक्स्ट वी हैव विंड हवा ब्रीज हल्की हवा धीरे धीरे जो आती है ब्रीज ड्रॉड एक हवा आती है बट ठंडी हवा आती है थोड़ी खुशबूदार हवा आती है ड्रॉप ठीक है गेल खुशबू खुशबू के साथ आती है थोड़ी हवा और तेज़ बढ़ जाती है हरिकेन एकदम तेज़ हवा आती है चक्रवात बोलते हैं हिंदी में बोलते हैं ना जो तो गोल गोल आते हैं बावंडर वो ठीक है सनशाइन धूप वार्म हल्का गर्म बाल्मी थोड़ा नॉर्मल धूप एक खुशबू के साथ हम बर्दाश्त कर सकते हैं सल्ट्री कंफर्टेबल होता है हम गर्मी इतनी बर, गर्मी बर्दाश्त कर सकते हैं कंफर्टेबल हॉट हॉट वेरी हॉट एक्सट्रीम हॉट जो भी हम लोग फील कर रहे हैं मे के महीने में ओके वाटर बॉडी मीन्स कोई वाटर बॉडी सी लेक एनीथिंग पूल छोटा सा पूल जहाँ पे अपने डक लोग खेलते हैं बच्चे खेलते हैं राइट पौंड छोटा पौंड ठीक है नॉर्मल पौंड लेक थोड़ा लेक पौंड से बड़ा होता है बहुत दूर तक स्प्रेड होता है सबसे बड़ा होता है सी जहाँ पे बहुत बड़े बड़े मेरीन एनिमल्स मिलते हैं वेल एंड ऑल राइट साइज साइज एक साइज ठीक है साइज को कैसे किया बिग साइज कैसे होते हैं बिग होते हैं बड़े होते हैं लार्ज बड़ा होता है यूज और बड़ा होता है इमेंस नो लिमिट एकदम ही बड़ा होता है ठीक है ग्राउंड का साइज बोलते हैं इमेंस ग्राउंड चाहिए बड़ा ग्राउंड चाहिए वैसा अगेन साइज है साइज स्मॉल होता है छोटा होता है लिटिल और छोटा होता है टाइनी एकदम छोटा विच यू कैन सी विद नेकेड आइज

ठीक we'll है दैट मीनस यहाँ पे फर्स्ट ट्रामिंग सिम है और सिमली है सिमली एंड एलिट्रेशन सिमली क्यों बोला गया है क्योंकि वो लाइन आपको में, आपको मैंने आपको, आपको लाइन में दिखाया रहेगा बॉय स्कूल बॉय केम लाइक ए फ्लॉक ऑफ शिप तो स्कूल के बॉय कैसे आए शिप के झुंड जैसे आए लाइक ए फ्लॉक ऑफ शिप तो वो क्या हो गया सिमली हो गया और दूसरा फिगर स्पीच है एलिट्रेशन एलिट्रेशन क्यों है क्योंकि यहाँ पे यहाँ पे सेम लेटर रिपीट होता है एस एस शीटल्ड स्लिपरी स्ट्रीट आपको आपको पोई में दिख जाएगा स्लिपरी स्ट्रीट ठीक है एक ही लाइन में अगर सेम लेटर आता है उसे बोलती है एलिट्रेशन स्लिपरी स्ट्रीप आई शो यू ये दिस इज अमली ओके केम हैप्पी बॉयज लाइक ए फ्लॉक ऑफ शिप एंड नेक्स्ट वी हैव दिस एंड्राउंड एंड फिगर स्पीच इज स्लिपरी स्ट्रीट एस एस आया है तो ये हो गया एलिट्रेशन

ई ओवन -E ये प्रोज बराबर फ्रेम नहीं हुआ तो उसको बोलते हैं इन्वर्जन तो थ्री फेवरा स्पीच हो गए ओके एस एस आ गया हेलिट्रेशन एंड इन्वर्जन क्योंकि प्रोज बराबर फेम नहीं हुआ है एंड नेक्स्ट वी हैव द ड्रामिंग स्कीम ईयर दैट इल अंडरलाइन इट ओके शाउट आउट ड्रामिंग स्कीम शीप डीप ग्रे वे ओके तो या इसमें और भी बहुत सारे रामिंग स्कीम है आप खुद से ऑनलाइन कर सकते हो आपको मालूम लीजिए राइन स्कीम क्या है सिमिलर साउंड वर्ड राइमिंग राइमिंग वर्ड्स राइट वर्ड्स सिमिलर साउंड वर्ड है तो आपने राइमिंग स्कीम देख लिया फिगर स्पीच देख लिया फिगर स्पीच है ए ए बी बी सी सी ओके राइन स्कीम है ए ए बी बी सी सी सो हियर विल अंडर विद दिस पोयम ये हमारा पोयम पूरा हो गया है नेक्स्ट विल मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन इसके आंसर्स आपको मिल जाएंगे लेक्चर्स के एंड में दिस इज जस्ट अबाउट द ओल्ड वोमन ओल्ड वुमन के बारे में आपको यहाँ पर इंफॉर्मेशन लिखना है वो कैसी थी उसने कैसे कपड़े पहने थे यहाँ पे स्ट्रीट कैसा था स्ट्रीट पर क्या देखा और स्कूल बॉयज़ का क्या एक्टिविटी था वो आपको यहाँ पे लिखना है ठीक है तो मैंने आपको पोएम अच्छे से एक्सप्लेन किया है तो यू कैन टेक द हेल्प ऑफ द पोएम बट एट द एंड ऑफ लेक्चर यूल गेट द आंसर्स इन दिस वीडियो ओनली ओके नेक्स्ट विल सी राइट एटलीस्ट फाइव राइम्स फ्रॉम द पोएम रॉम्स की मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया है ठीक है बस राइम्स की डीप स्नो स्लो ठीक है मुझे ऑनलाइन किया तो आप देख सकते हो ऊपर से गिव इन योर ओन वर्ड्स टू रीजन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग आपको खुद के ओन वर्ड्स में लिखना है द वुमेन वॉज रिलेक्टेड टू क्रॉस द स्ट्रीट बाय हर सेल्फ वो बहुत ट्राई कर रही थी रिलेक्टेड मीनस किसी चीज का बहुत कोशिश करना ट्राई करना वो हर सेल्फ खुद से वो रोड क्रॉस करने का ट्राई कर रही थी ठीक है आपको खुद के वर्ड में लिखना है ठीक है कि वो क्यों कर रही थी क्योंकि उसको कोई हेल्प नहीं कर रहा ठीक है द स्कूल बॉयज वर इन अ हैप्पी मूड बच्चे खुशी के मूड में क्यों थे क्योंकि वो लोग जस्ट स्कूल से छूटे थे दे गॉट द फ्रीडम फ्रॉम द स्कूल से दे वर इन अ हैप्पी मूड ओके इसके भी आंसर आपको मिल जाएंगे एंड में वन वन ऑफ द स्कूल बॉय हेल्प द ओल्ड वुमेन क्रॉस द स्ट्रीट एक स्कूल का लड़का आया उसने वुमेन को हेल्प किया स्ट्रीट क्रॉस करने में क्यों क्या सोचिए कि किया क्योंकि इसी जगह उसकी माँ भी हो सकती है तो उसकी माँ को भी कोई हेल्प कर सकता है ठीक है वी मस्ट हेल्प दो नीड हमको उनकी हेल्प करनी चाहिए जो नीड में होते हैं क्यों क्योंकि जब तक हम किसी की हेल्प नहीं करेंगे नो बडी इज गोइंग टू हेल्प आउट ओके पीपल ऑन रोड स्ट्रीट इग्नोर दोज इन नीड ऑफ हेल्प वॉट अबाउट यू राइट अबाउट योर फीलिंग्स आफ्टर यू हैव हेल्प नॉट हेल्प वेन नीडेड आपको पांच से छह लाइन में लिखना है कि रोड पर कोई किसी को हेल्प क्यों नहीं करता है उसके पीछे रीजन क्या है ठीक है और उसके बारे में तुम्हारी क्या राय है अगर तुमको कोई रोड पे दिखता है किसी को कोई हेल्प की जरूरत है तो तुम उस नीडी पर्सन की हेल्प करोगे क्या ठीक है वो तुम्हारी फीलिंग्स क्या है वो तुमको यहाँ पे शेयर करना है और तुमको कभी किसी ने हेल्प किया है क्या अगर तुमने किसी की हेल्प की है तुमको इन रिटर्न हेल्प मिला है क्या सो दिस ऑल्सो यू हैव टू इलेबरेट एंड राइट वॉट यू आर गोइंग टू डू इफ समर इज नीड ऑफ हेल्प